उज्जैन में बाबा महाकाल के श्री महाकाल लोक के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं श्री महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का सभी को आमंत्रण दिया और इस पुण्य आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की। सीएम शिवराज ने कहा कि द्वांद ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिवलीलाओं के साथ किया गया है। वहां एक अद्भुत रचना हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ और अब महाकाल बाबा के धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, भजन कीर्तन पूजा हो, अभिषेक आरती हो, सारा गांव अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सभी आमंत्रित हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रिय बहनों और भाइयों प्रणाम, जय महाकाल। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, रब महाकाल बाबा प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर में किया जा रहा है। विस्तार के बाद महाकाल मंदिर परिसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5 हेक्टेयर में फैला है। महाकाल कॉरिडोर पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित किया जा रहा है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़े करीब 200 मूर्तियां और भित्र चित्र बनाए गए। श्रद्धालु हर एक भित्र चित्र की कथा
इस पर स्कैन कर सुन सकेंगे। सप्त ऋषि नवग्रह मंडल त्रिपुरा सुरवध कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ भव्य प्रदेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद हैं। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।